हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हिंदी में पत्र कैसे लिखें किस तरह से शुरुआत करें और परीक्षा में आपको पत्र लेखन जो है वो किस तरह से करना है ताकि आपको अधिक से अधिक अंक मिले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पत्र लेखन हेतु तो कुछ आवश्यक बातें तो उनमें जो सबसे पहली है वो ये है कि पत्र लिखते समय सबसे पहले सावधानी हमको ये बरतनी है कि शिष्टाचार जो है वो पत्र में बहुत ज़रूरी है नंबर दो एक और बात है वो है कि पत्र जो है उसकी भाषा जो है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और पत्र में भाव हैं वो एक तरह से स्पष्ट होने चाहिए कुछ ऐसा ना हो कि बातें मिक्सअप हों समझ में ना आ पाए तो आप लोग इससे बचें और तीसरी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो पत्र की भाषा है वो सरल होनी चाहिए ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का उपयोग अगर आप पत्र में करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और एग्जामिनर जो है वो भी आपको नंबर नहीं देगा और साथ ही ध्यान रखना है कि पत्र में जो है ज़्यादा बड़े वाक्यों का हम प्रयोग ना करें सिर्फ छोटे वाक्य जरूरी ना हो तब तक बड़े वाक्यों का प्रयोग आप नहीं करेंगे छोटे वाक्य ही आप इस्तेमाल करें और साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्र जितना संक्षिप्त हो उतना अच्छा जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं इसलिए पत्र का जो अनावश्यक विस्तार हो वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है तो और इसके अलावा कुछ एक और इम्पोर्टेंट बातें मेरे दिमाग में हैं उनमें एक बात ये आती है कि जो पत्र में आप लिख रहे हैं व्याकरण में गड़बड़ी ना हो वर्तनी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए और साथ ही साथ जो स्वच्छता है उसका आप ध्यान रखें पत्र में काटा पीटी ना करें लेख आपका स्वच्छ हो और इसके अलावा एक और है जो इम्पोर्टेंट है पत्र लिखते टाइम आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो हम पता लिख रहे हैं वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि तो अगर पता ही स्पष्ट नहीं होगा तो बताइए आप ही सोचेंगे कि पत्र सही जगह कैसे पहुंचेगा इसके साथ ही एक और जो लास्ट है वो ये है कि पत्र लिखते समय जो कहते हैं ना कि वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो अनावश्यक विस्तार ना हो कोई बातें है ये वो भी यही है कि व्यर्थ की बातें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है पॉइंट टू तो पॉइंट आपको लिखना है ताकि पत्र का जो है ना इम्पोर्टेंस जो है जो महत्ता है पत्र की वो बनी रहे तो आपने यहाँ देखे ये यह सात आठ पॉइंट मैंने बताए हैं ये जो है हमें पत्र लिखते टाइम जो है ध्यान रखना है तो ये तो बात हुई पत्र लिखने टाइम जो आवश्यक बातें क्या हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जो पत्र होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं विशेषताएं आपको मुख्यतः याद रखनी है क्योंकि पत्र लिखते समय इस चीज़ का अवश्य आपको ध्यान देना है कि एक तो भाषा सरल हो दूसरी बातें यह है कि जो स्पष्टीकरण है ना वो स्पष्ट हो व्यर्थ की बातें ना हो अब मैं थोड़ा सा जो ये बताता तो हूँ मैं पहले भी चुका हूँ थोड़ा सा उनमें से जो इम्पोर्टेंट हो वो तीन बातें मैं आपको बताऊँगा सुस्पष्ट विचार हो सरल भाषा हो और एक और जो आता है वो है कि संबोधन और संक्षेपण मतलब संक्षेप से ये मतलब है कि ज़्यादा लंबा पत्र ना हो और छोटा से छोटा लिखना है आपको उसी में संपूर्णता होनी चाहिए वही ऐसा लगे कि पूरा है और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है तो ये तीन बातें हैं अभी जब मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊँगा पत्र कैसे लिखना है उसमें आप लोगों को दिखाई देंगी ये बातें तो सुस्पष्ट विचार का मतलब यही है कि इधर उधर की बातें ना हो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है और जितना छोटा से छोटा हो चुके हो सके उतना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पत्रों के प्रकार यानी कितने प्रकार के पत्र होते हैं पत्र सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं एक तो होता है औपचारिक पत्र जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स और एक होता है हमारा जो है अनौपचारिक पत्र मैं लिख देता हूँ देखिए औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल तो जो ये अनौपचारिक पत्र होते हैं ये लिखे जाते हैं जैसे हमने किसी मित्र को लिखना है किसी सगे संबंधी को लिखना है या किसी अनजान व्यक्ति के लिए लिखना है तो उनको जो हम पत्र लिखते हैं वो होते हैं अनौपचारिक और साथ ही साथ इनके अलावा किसी परिवारजन को लिखना किसी परिचित को तो इन सबको जो है औपचारिक पत्र लिखे जाएंगे और जो बात आती है औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर्स की तो वो हम लिखते हैं जैसे एक सरकारी पत्र होता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजना या कोई छात्र प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखे या कोई प्रार्थना पत्र हो तो वो जो पत्र होते हैं उन्हें हम बोलेंगे औपचारिक लिख दिया है मैंने यहाँ पे मैं प्रार्थना पत्र कार्यालय के लिए और ऐसे ही कुछ एक दो और तो ये तो थोड़ा सा इसलिए बताया कि आपको पता लग कि, कि फॉर्मल लेटर्स क्या हैं और इनफॉर्मल क्या है और अब बात आती है औपचारिक पत्र शुरुआत औपचारिक पत्र एक तरीके से मतलब कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा तो औपचारिक पत्र में जो खास बात है एक तो ये है कि पत्र पाने वाले का जो एड्रेस है जो पता है उसका वो स्पष्ट हो एक तो ये मुख्य बात है ये मैंने यहाँ लिख दिया है पत्र पाने वाले का पता और नाम ये ज़रूरी है इसके अलावा जो है पत्र में हम लिखेंगे विषय हम किस विषय में जो है सामने वाले को पत्र लिखना है साथ ही इस चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाला आदमी कौन है उसको हम किस तरह का संबोधन जो है प्रयोग कर सकते हैं और इसके अलावा ये यहाँ मैंने बॉक्स बना दिया है ये इसमें आएगी जो पत्र में हमें क्या लिखना है इसके अलावा नीचे आएंगे हस्ताक्षर जो भेजने वाला है उसके यानी प्रेषक हम उसे बोलते हैं और फिर उसके नीचे प्रेषक का नाम और पता साथ ही हम नीचे दिनांक लिख सकते हैं तो ये प्रेषक का नाम है, पता मैंने लिख दिया यहाँ और ये हो गया दिनांक तो लेटर का जो फॉर्मेट है वो यही है और इसके अलावा हमें संबोधन किस तरह से लिखना है इसका वो जरूरी है और संबोधन में हम लिखेंगे इसमें अधिकतर जो प्रयुक्त होता है वो होता है श्रीमान या महोदय या इसके अलावा कभी कभी लिख देते हैं हम मान्यवर औपचारिक पत्रों में सिर्फ यही बात ध्यान देने की है खासतौर से कि संबोधन हम किस तरह से लिखेंगे और प्रेषक जो है अपने लिए अब इसमें क्या लिखेगा वो या तो लिखेगा कि आपका आज्ञाकारी ठीक प्रधानाचार्य को अगर हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे आपको आगे का शिष्य और इसी तरीके से हम बाकियों को हम क्या लिख रहे हैं जैसे हम कभी कभी अगर किसी बड़े आदमी को लिखना हो तो भवदीय लिख सकते हैं या प्रार्थी लिख सकते हैं तो ये बातें छोटी छोटी हैं जो आपको ध्यान देने बहुत आवश्यक हैं या कभी कभी हम निवेदक लिख देते हैं तो ये बात हुई इसकी अब मैं आपको बताऊंगा कि लेटर का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से काम करेगा देखिए औपचारिक पत्र के उदाहरण मान लीजिए कि लेटर हमको लिखना है कोई छात्र को लिखना है और किस विषय पे लिखना है कि मान लीजिए विद्यालय में जो है पानी की व्यवस्था के लिए ठीक तो मैं लिख देता हूँ विद्यालय में पानी की व्यवस्था हेतु तो जो है प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है मैं लिख देता हूं एक बार विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था तो ये पत्र अगर हमें लिखने को आए कि विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु तो आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखें तो आप कैसे लिखें शुरुआत होगी सेवा में आप प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य जी श्रीमान प्रधानाचार्य जी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो प्रधानाचार्य महोदय लिख लीजिए इसके बाद जो स्कूल है विद्यालय है वो लिखेंगे कौन सा है मान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय और क्या करें दिल्ली कैंट कर देते हैं दिल्ली कैंट तो शुरुआत इसकी यहां से होनी है देखिए सेवा में एक टैब लगाएंगे और देखिए प्रधानाचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट देख सकते हैं कि जो है, ये जो तीन लाइनें हैं ये मतलब ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है ठीक ये जो है अब इसके बाद शुरू होता है कि विषय हमें क्या लिखना है अगली लाइन से शुरू करेंगे विषय विषय में वही लिखना है आपको जो कि ऊपर मैंने बताया सेम टू तो सेम यही उतार देना है विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था के संबंध में या के संदर्भ में इसके बाद आप शुरुआत करेंगे जो कि संबोधन है प्रधानाचार्य के लिए मैंने आपको बताया था या तो महोदय लिख लीजिए श्रीमान लिख सकते हैं तो महोदय लिखने के बाद आप एक कॉमा लगा देंगे उसके बाद शुरू होती है कि आपकी जो विषय वस्तु है पत्र की वो क्या है शुरुआत आप यहाँ से करेंगे से अभिनय निवेदन यह है, है या कुछ ऑनलाइन जो आपको अच्छी लगे जरूर नहीं आप इसी से शुरुआत करें आगे जो आपको लिखना है ये आपको खुद ही लिखना है तो क्योंकि आप क्या लिखना चाहेंगे ये आप ही अच्छी तरह जानते हैं इस तरह से लिख के अगले पैराग्राफ आप शुरू कर सकते हैं इसके बाद आप नीचे जब पत्र आपका खत्म हो जाए तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य के लिए एक छात्र पत्र लिख रहा है तो आप लिख सकते हैं उसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य और जो भी आपकी क्लास है आपका नाम है आप उसके नीचे लिख सकते हैं और फिर नीचे आप चाहें तो दिनांक जो है दिनांक भी आप डाल सकते हैं और ये जो मैंने रेड में किया है ना इसको आप इधर के बजाय लेफ्ट के बजाय आप राइट में भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो लेकिन आजकल ऐसा किया नहीं जा रहा आप इसको भी लेफ़्ट में लिख तो अच्छा रहेगा तो ये तो बात हुई कि आपको एक औपचारिक पत्र जो है वो लिखना किस तरीके से है आपने देख लिया कहाँ क्या आना है किस तरीके से आपको लिखना है पत्र में संबोधन किस तरह करना है दिनांक आपको कहाँ डालनी है और विषय आपको कहाँ डालना है शुरुआत किस तरह से करनी है और आप नीचे उसको किस तरीके से लिख रहे हैं ठीक तो भाषा जो है थोड़ी स्पष्ट रखें तो ये बात होती है कि हम पत्र कैसे लिखें तो ये तो बात हुई कि औपचारिक पत्र कैसे लिखना है अब मैं बताता हूँ आपको कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे अनौपचारिक पत्र जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपने बहुत घनिष्ठ जानने वालों संबंधी हैं हमारे परिवारजन हैं या मित्रों को लिखे जाते हैं तो इनमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है कि संबोधन किस तरह से करना है और अभिवादन किस तरह से करना है और साथ ही साथ एक और जो इम्पोर्टेंट है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि पत्र की जब समाप्ति होगी तो आप उसे किस तरीके से समाप्त करेंगे तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि अनौपचारिक पत्रों में संबोधन आपको क्या करना है ज्यादा रट्टा मारने की चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा सिंपली दो तीन चार चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखिए अगर हम किसी बड़े को लेटर लिख रहे हैं तो संबोधन इसमें जो होगा वो होगा या तो आदरणीय या अगर पिताजी को या माताजी को इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये पूजनीय लिख सकते हैं आप पूजा पूज्य ठीक है तो ये तो बात हुई इसकी कि संबोधन बड़ों के लिए हमें किस तरह करना है और इसके अलावा अगर हम पत्र जो है किसी छोटे लोगों को लिखने कोई छोटा भाई हो या कोई उम्र में छोटा बच्चा हो अपने से तो उसके लिए जो हम पत्र लिखेंगे उसके लिए जो संबोधन होगा वो ज़्यादातर होता है प्रिय ठीक है तो ये होगा प्रिय और साथ ही साथ प्रिय के अलावा हम लिख सकते हैं कि प्रिय ही सही रहेगा अगर हम किसी अनजान के लिए भी पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए भी हम प्रिय लगा सकते हैं और साथ ही एक और है कि अगर मान लीजिए शिक्षक को भी लिखना हो अनौपचारिक पत्र अगर शिक्षक को लिखना हो तो उसके लिए हम प्रयुक्त करेंगे श्रद्धेय कर सकते हैं या फिर आदरणीय भी चल जाएगा इसमें ये मैंने निशान लगा दिया है इधर तो ये चीज़ें हैं कि हमें संबोधन कैसे करना है अब बात आती है अभिवादन की अभिवादन अगर बड़ों को हम पत्र लिख रहे हैं जैसा कि मैंने बताया ये जो है इनके लिए तो अभिवादन होगा सादर परिणाम बोल सकते हैं ये मैं लिख देता हूं सादर प्रणाम ठीक और सादर परिणाम हो गया ठीक है और इसके बाद अगर बात आती है कि छोटे या शिक्षक को भी हम सादर प्रणाम लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं और जो अपने से छोटे हैं उनके लिए हम प्रयुक्त करेंगे एक शब्द होता है मैं लिखता हूँ यहाँ देखिए छोटों के लिए हम हमेशा ही आशीष देते हैं आशीर्वाद देते हैं तो लिख देते हैं सुभा आशीर्वाद जहां तक बात समाप्ति की आती है तो समाप्ति के वक्त आपको क्या लिखना है बड़ों को जब हम लेटर लिखेंगे तो हम लिखेंगे शुभाकांक्षी लिख सकते हैं क्योंकि बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है शुभाकांक्षी और अगर शिक्षक को हम लिख रहे हैं तो शिक्षक के लिए हम लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी ये तो मैं आपको औपचारिक पत्र में भी बता सकता हूँ या आपका शिष्य और अपने छोटों के लिए अगर हमें लिखना है तो उनके लिए हम लिखते हैं तो अब देखते हैं कि कैसे लिखें सबसे पहले मैं यहाँ कुछ एक बॉक्स बना देता हूँ उससे आपको अंदाजा रहेगा कि हमें कहाँ क्या लिखना है यहाँ जो है कुछ एक बॉक्स बने हुए हैं mm. आप इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं सबसे ऊपर शुरुआत करेंगे कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता आना है और पते में ही उसका नाम इंक्लूड आप कर सकते हैं साथ ही उसके नीचे आप दिनांक लिख दें और फिर शुरू होता है कि संबोधन हमें किस तरह करना है आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक मतलब किस तरह से शुरुआत करनी है और फिर अभिवादन और पत्र की विषय वस्तु यहां जो भी कुछ आपको लिखना हो और नीचे यहां प्रेषक का पता आ जाता है नाम और पता यहां इससे पहले जो बॉक्स बना हुआ है ये वो समाप्ति वाला है कि यहाँ आपको किस तरीके से उनसे जो लिखना है कि आशीर्वाद देना है या लेना है आप भवदीय भी लिख सकते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं है आदि जो लिखते हैं वो यहाँ है। तो ये बात हुई कि औपचारिक पत्र लिखे कैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए हमें पत्र लिखना है कि कोई छोटा भाई है आपका वो अध्ययन में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको डांटने समझाने के लिए एक पत्र लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे तो शुरुआत हम इसकी कैसे करेंगे आप देखिए सबसे पहले तो वो रहता कहाँ है उसका एड्रेस लिखना है मान लीजिए कि वो हॉस्टल में रहता है तो जिला स्कूल छात्रावास ये मैं एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता हूँ जहाँ भी उसका एड्रेस है वो लिखना है हमको मान लीजिए वो छात्रावास में रहता है ज़िला स्कूल छात्रावास मान लीजिए कि कानपुर है तो मैं कानपुर लिख देता हूँ इसके बाद आप जो है दिनांक डाल दें तो ये तो वो चीज है जो मैंने बताई थी पत्र के शुरू में लिखना क्या है उसका पता और दिनांक अब अपने से छोटा है तो हम प्रिय लिख सकते हैं प्रिय भाई लिख सकते हैं प्रिय अग्रज लिख सकते हैं या सीधा नाम भी हम उसका लिख सकते हैं जो नाम हो तो ये तो बात हुई यहाँ और इसके अलावा जो पत्र में आपको उसको जो लिखना है आप लिखें किस तरह से उसको समझाना है क्या बताना है वो चीज़ें यहाँ हो जाएंगी और इसके बाद आप अपना पता अपना नाम और अपना दिनांक दिनांक की जरूरत नहीं दिनांक एक बार हो गया आप अपना तो नाम पता हस्ताक्षर ये आप यहाँ जो है कर सकते हैं देख पा रहे हैं आप और छोटा भाई है तो हम इसे लिखेंगे शुभकामनाएं लिख सकते हैं शुभ आशीर्वाद लिख सकते हैं तो शुभकामनाओं सहित मैं लिख देता हूँ क्योंकि छोटों के मामले में शुभकामनाओं सहित और अगर किसी बड़े को लिखना ऐसा लेटर होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले आप रिवाइंड करके कर देखें कि उनके लिए हमें क्या लिखना है शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई इस तरह से जो है पत्र की समाप्ति हमको करनी है तो ये बात हुई साथ ही देखिए आप पूरा इसे इस तरह लिख सकते हैं तुम्हारा प्रिय भाई यहाँ आप अपना नाम लिख दें और पता लिख सकते हैं आप ठीक ये बात हुई कि हमें पत्र लिखना किस तरह से है और अब मैं बताऊंगा कि परीक्षा में जो आपका एसएससी में या एमटीएस में या सी में जितनी परीक्षा होती है कि तो परीक्षाओं में आप लिखेंगे कैसे दरअसल आजकल हो क्या रहा है कि वो सिंपल पेपर नहीं दे रहे हैं वो आपको जो है बॉक्स बना के दे रहे हैं आपकी एस की हुई सी हुआ या एम हुआ जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल ज़्यादातर नहीं लेकिन इनमें इनमें तो जो है हाँ आपको कैसे बॉक्स मिलते हैं देखिए ऐसे बॉक्स आपको मिलेंगे तो इनमें करना क्या है सबसे पहले बात तो आपको ध्यान रखना है कि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही शब्द आपको लिखना है कॉमा वगैरह आप यूज कर सकते हैं किसी शब्द के साथ एक ही बॉक्स में उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन एक बॉक्स में सिर्फ एक ही शब्द होना चाहिए जैसे मैंने लिख दिया सेवा में एक बॉक्स में सेवा लिखेंगे दूसरे में मे ठीक तो ये तो बात हुई इसकी और फिर आप अगली लाइन से शुरुआत करनी है तो फिर आप अगली लाइन के बॉक्स से शुरुआत करें ये बात ध्यान देने वाली है ठीक शुरुआत आपको ऐसे करनी है और साथ ही साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जब इन बॉक्सों में आप लिखें तो काटपीट में जो है विश्वास ना रखें जरा सा भी काटपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो अगर काटपीट होगी तो गड़बड़ हो जाएगी तो ये आपने ऊपर देखा कि एक बॉक्स में एक शब्द लिखा जाएगा और साथ ही आप देखिए वो जो मैंने अभी एक बात बताई उसमें आपको बता देता हूं आप ऐसा ना लिखें देखिए मैंने यहां कुछ लिखा महोदय लिखा और मुझे लग रहा है कि महोदय यहां नहीं आएगा और मैंने इस पर पीटी कर दी इस तरह से काट दिया तो यह गड़बड़ है यह एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले आपकी तरफ खींचता है और आपको नंबर कम कर देगा और और इसके साथ ही एक और जो बात है वो पत्र लिखते हुए पत्र की शुरुआत में भी मैंने आपसे बताई थी वो ये है कि जो भी आप पत्र में लिख रहे हैं वो व्याकरण उसकी शुद्ध हो और साथ ही साथ जो आपकी राइटिंग है जो आपका लेखन कला है वो सही होनी चाहिए आप ऐसा ना करें देखिए आपने बॉक्स में लिखना है कि निवेदन लिखना है तो आप ये डिसर्ब कर रहे हैं लिख दिया निवेदन और ये समझ में पढ़ने में नहीं आ रहा तो ऐसा पत्र लिखने का कोई फ़ायदा नहीं साफ साफ लिखें जैसे कि यहाँ निवेदन जिससे कि सामने वाला आराम से पढ़ सके तो पत्र लिखते वक्त परीक्षा में आपको जो है आपके आने वाला जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको इसी तरह ध्यान देना है और ये मैंने आपको सब बताया और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप इस बारे में हमें ज़रूर बताएं और अगर कहीं भी आपको पत्र लिखने में फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे सीधा फेसबुक पे या यहाँ यूट्यूब पे हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और अभी आज मैंने आपको सिर्फ पत्र लेखन के बारे में बताया अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी कि हमको एग्जाम में हमारे परीक्षाओं में जो हमारी आने वाली है उनमें हमें निबंध कैसे लिखना है तो ठीक है इसके बारे में आज आज की जो वीडियो है आप इसके बारे में हमें अगली वीडियो आएगी हमारी निबंध कैसे लिखना है निबंध कैसे लिखें तो तब तक इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को आप जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद जो छात्र हैं उनके पास ये हिंदी वाली वीडियो जब पहुँच जाए इंग्लिश वाली बहुत वीडियो जो आपको मिलेंगी हिंदी वाली इतनी आसानी से नहीं मिलती धन्यवाद